प्यार प्यार, शादी शादी, ये है एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम सबकी ज़िंदगी का। हम सबको एक लव, इंटरेस्टिंग सी लव लाइफ चाहिए, एक सपनों वाली लव लाइफ चाहिए, एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छी ज़िंदगी इंजॉय कर सकें, लविंगली इंजॉय कर सकें, केयरिंगली इंजॉय कर सकें। तो आज का जो मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एज़ यूजल एक मैजिकल टॉपिक है, हाउ टू मैनिफेस्ट या हाउ टू अट्रैक्ट योर ड्रीम मैन और योर ड्रीम वुमेन। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम एवरी वन टू माई मैजिकल चैनल, माई मैजिकल वीडियो एंड माई मैजिकल मैजिकल न्यू टॉपिक। आई एम प्रिया फ्रॉम मुंबई, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट एनर्जी साइंस एंड बहुत सारा मैजिक। सो हाउ टू मैनिफेस्ट अस योर लाइफ पार्टनर, द लव ऑफ योर लाइफ। ओके, मैंने किया है। मेरे 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 हॉरोस्कोप में, मेरी जन्मपत्री में शादी नहीं लिखी थी, बट मैंने अट्रैक्ट किया है। सो आई विल गिव यू ऑल द ट्रिक्स। मैं ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो शायद, नंबर वन इसलिए क्योंकि मैं इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप, वर्ड टू वर्ड, एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ, और वो चीज़ आपने रेगुलरली करनी है। हर वो इंसान, बॉय या गर्ल, अपनी लाइफ में सोलमेट, सॉरी लाइफ पार्टनर और लव ऑफ योर लाइफ वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट, जिनको शादी लेट हो गई है, दे आर थिंकिंग क्यों हमारे साथ शादी लेट हो रही है, क्यों लड़के सही नहीं मिल रहे हैं, क्यों हम रॉन्ग बंदों के साथ अटक रहे हैं, क्यों हमें रॉन्ग रिश्ते आ रहे हैं, क्यों नहीं मेरी एनर्जी शादी के लिए मैच हो पा रही है, मैं क्यों लेट हो गई हूँ, क्यों मैं पीछे रह गई हूँ। ओके, आई एम डूइंग दिस वीडियो फॉर टू ऑफ माई फॉलोअर्स, दे हैव रिक्वेस्टेड स्पेशली टू मेक अ वीडियो ऑन मैनिफेस्टेशन ऑफ मैरिज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात मैं क्या हमेशा बताती हूँ, कोई भी नई चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो तो पुरानी गंदगी को निकालना है। सो पुरानी गंदगी इस केस में क्या हो सकती है, वो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं। फाइन, मैंने पूरी जो काम मैंने किया था अभी तक शादी से पहले, वो सब लिस्ट मेरी रेडी है। सो आई विल शेयर एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमसे ही कुछ गलतियाँ हुई हैं, उसी का हम भुगत रहे हैं। अब वो हम गलतियाँ अपनी ठीक करेंगे एंड वी विल स्टार्ट इन्जॉइंग इट। आई एम लुकिंग कलरफुल टूडे, इट्स अ टॉपिक ऑफ लव, सो आई वॉन्ट टू फील दैट वे। ओके, चलो सबसे पहले है लिमिटिंग बिलीव्स कैसे कैसे हैं हमारे अंदर। जब हम एक इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर डिले हो रहे हैं लाइफ में, तो हमारे मन में क्या क्या आ जाता है। नंबर वन आता है आई एम टू ओल्ड टू डेट, या मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मैं क्या डेटिंग करूँगी, अब मैं क्या किसी के साथ अफेयर करूँगी, अब मैं कहाँ किसी को मिलने जाऊँगी। आई एम ओल्ड इनफ, निकालना है, ओल्ड कोई नहीं होता, किसी भी एज में यू कैन डेट समबडी, किसी भी एज में यू कैन हैव फीलिंग। बॉडी की एज हो रही है, माइंड और सोल की एज नहीं हो रही है। सो बी यंग फ्रॉम इनसाइड, यू यंग फ्रॉम इनसाइड, यू यंग फ्रॉम द बॉडी, फिनिश। नेक्स्ट लिमिटिंग बिलीफ है देर आर नो गुड मैन लेफ्ट। फिर हम सोचते हैं यार इतनी एज हो गई है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, कितने करोड़ों अरबों की आबादी है। एंड सेकेंडली, भगवान जी ने सबके लिए कुछ ना कुछ राइट बनाया हुआ है, हर ताले की चाबी बनाई हुई है। सो मेरे लिए लड़का लड़की क्यों नहीं है, हम पक्का हैं, कहीं ना कहीं हैं, बस वो आते होंगे। सो यू हैव टू, ये मैं लिमिटिंग बिलीफ्स आपके हटवाऊंगी। ओके, नेक्स्ट इज़ डेटिंग आफ्टर डिवोर्स इज़ हार्ड। कई लोगों का डिवोर्स हो चुका होता है, दे हैड अ बैड रिलेशनशिप, इट्स फाइन एंड दे वॉन्ट, उनको फिर से नया रिलेशनशिप चाहिए, बट उनके माइंड में क्या बिलीफ बैठ गया है, या मैं डिवोर्स ही हूँ ना, सेकेंड चांस नहीं मिलेगा, बहुत डिफिकल्ट है, कोई अच्छा नहीं मिलेगा, बैड एक्सपीरियंस मिल गया, तो आपने अपने आपको बैड एक्सपीरियंस ही समझ लिया है। और आप उसको एक लिमिटिंग का मतलब, हमने अपनी सोच का दायरा फिक्स कर लिया है उस सोच से, जबकि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वर्ल्ड एंड यूनिवर्स इज़ ओपन विथ सो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, सबके लिए सब कुछ है। सो ये माइंड में निकालना है हमें, फाइन। नेक्स्ट लिमिटिंग बिलीफ है डेटिंग इज़ फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग एज जब ज़्यादा हो जाती है, हम लोग को टेंशन हो जाती है कि यार क्या यार, अब फिर नए सिरे से किसी बंदे को मिलना पड़ेगा, पता नहीं वो ठीक मैच होता है नहीं होता है, फिर 2-3 बार मिलो, फिर चेक करो, फिर नहीं जमेगा, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग यार, सीधे सीधे कोई अच्छा लड़का क्यों नहीं मिल जाता मुझे, इट हैपेंस। ओके, नेक्स्ट लिमिटिंग बिलीफ इज़ डेटिंग इन माई सिटी इज़ हार्ड। कई लोग सोचते हैं, सपोज कोई छोटे शहर में रहता है, वो सोचता है यार दिल्ली बॉम्बे में तो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा सोशल नेटवर्क है, ये सब है, मैं यहाँ पे कहाँ ढूँढूँ, यहाँ पे सबकी सोच एक जैसी है, कैसे मिलेंगे बंदे। माइंड यू, यूनिवर्स, इंटरनेट, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल, हर चीज़ पॉसिबल है, आपको सिर्फ यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस करना है, आपको सिर्फ विद फेथ परमात्मा को
अपनी डिमांड रखनी है एंड इट विल कम ट्रू, आई कैन अश्योर यू. नेक्स्ट लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं बहुत शाई हूँ या मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, तो मैं कैसे करूँगी, इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी. क्योंकि हम लोग का सोच ये हो जाती है कि इतने साल से मेरी एक पर्सनैलिटी बन चुकी है, मैं शाई हूँ, मैं इतनी सोशल नहीं हूँ. अभी यंग होती, कॉलेज में होती, तो यहाँ पार्टी हो रही है, वहाँ पार्टी हो रही है, आउटडोर्स हो रही है, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं. जॉब करती होती तो मेरे पास स्टाफ, मतलब यू नो, आपके पास पॉसिबिलिटीज थी बहुत सारे लोगों को मिलने की. हम मिलेंगे, किसी को देखेंगे, कहीं फीलिंग आएगी तो हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं टू चूज़ फ्रॉम. तो जो लोग सोचते हैं कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, या मैं घर पर ही हूँ, या मैं बहुत शाई हूँ, या मैं सोशल नहीं हूँ, तो मुझे कोई अच्छा बंदा मिल नहीं पाएगा, तो इट्स ए नो. क्योंकि मैं बहुत शाई थी, मैं सोशल बिल्कुल नहीं थी. बट स्टिल आई फाउंड अ ब्यूटिफुल, सॉरी अ हैंडसम मैन, और ऑफ माई एज, सब कुछ हमारा मैच करता है, एंड वी रियली लव ईच अदर, एंड वी रियली हैविंग गुड टाइम टुगेदर. तो ये पॉसिबल है, मुमकिन है. अभी देखो कुछ चीज़ें, ये तो होगी हमारे कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल्स ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स जो हमको ठीक करने हैं. वो उसकी रिलीज सब एफर्मेशन, सब स्टेप मैं आपको बताऊंगी भी, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी भी, वहाँ से कॉपी करके पूरे सिस्टम को फॉलो करना. ओके, सेकंड चीज़ें क्या आती हैं, फीलिंग्स, नेगेटिव वाइब्रेशंस वाली फीलिंग्स जो हमारे इस प्रोसेस को ब्लॉक करती हैं, वो है जैसे एंशियस होना, यू नो, एनजाइटी आ जाना कि यार पता नहीं क्या होएगा, ये घबराहट होने शुरू हो जाती है कि यार नहीं होगा, मैं अकेली पड़ गई हूँ, कब होगी मेरी शादी, मैं क्यों लोन ली हूँ, यू नो, कब लड़का अच्छा, कोई लड़का मिलता है तो आप यू गेट एक्साइटेड टू मीट हिम, कि बस वही मेरा हस्बैंड बन जाए, यही मुझे मिल जाए, जबकि हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं सही है. हम पेशेंस लूज़ कर जाते हैं कि कौन मिलने जाएगा, दो बार चेक करेगा सही है कि नहीं सही है. आई एम सो डेस्परेट टू गेट मैरिड, आई हैव टू गेट मैरिड. सो वो एंशियसनेस हमने हटानी है. उसके बदले में हमें क्या फीलिंग डालनी है, आई एम बिगिनिंग टू ट्रस्ट दैट आई एम वेयर आई नीड टू बी. मुझे, मैंने ये ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है, मैं इस प्रोसेस में हूँ, मैं ये ट्रस्ट कर रही हूँ कि अब मैं उस जगह पहुँच गई हूँ जिस जगह मुझे अब होना चाहिए. मेरी एनर्जी अब वैसी बन रही है जो मेरे हाईएस्ट और बेस्ट के लिए है. सो ये भी एक एफर्मेशन है, मैं पूरी लिस्ट में डालूंगी, सो डोंट वरी, मैं सब कुछ लिख के दूंगी. सेकेंड इज़ वरीड, हमें चिंता होने लग जाती है, यार इस दिस इतनी एज होगी, आई एम ऑलरेडी 35, आई एम ऑलरेडी 38, कब शादी होएगी, अभी घर वाले भी अनईजी हो रहे हैं, दे फील अनईजी, मेरे फ्रेंड सर्कल सब चेंज हो गया, मैं अकेली पड़ी हूँ. सो यू गेट वरी ऑफ फ्यूचर, वरी ऑफ माई ओन सेल्फ कि मेरा क्या होगा टाइप्स. तो उसके लिए हमने क्या चीज़ें, वरी हटा के क्या माइंड में भरना है, आई रिलीज ऑल फियर्स ऑफ द अननोन एंड अनएक्सपेक्टेड. मैं हर उस तरह के डर को रिलीज़ करती हूँ जो मेरे लिए अननोन है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा अननोन है, अनएक्सपेक्टेड है, ये बंदा इसको मिलने जा रही हूँ कैसा निकलेगा, आई डोंट नो, अनएक्सपेक्टेड है, वो सब डर निकाल देने हैं. सो आई रिलीज ऑल द फियर्स ऑफ द अननोन एंड अनएक्सपेक्टेड. ओके, सेकेंड अनइजीनेस क्या आती है, हर्ट की. क्योंकि हम जब लड़का ढूंढ रहे हैं या लड़की ढूंढ रहे हैं, हम जाने अनजाने रॉन्ग रिलेशनशिप्स में भी आ जाते हैं, हम जाने अनजाने रॉन्ग पीपल अट्रैक्ट कर लेते हैं, और हम अपनी फीलिंग और पूरी फुल फील के साथ किसी को मिलने जा रहे हैं, और सामने वाला दो तीन बार मिलने के बाद कुछ ऐसा बिहेव कर जाए जो आपको हर्ट कर जाए, या आपको बिट्रे कर जाए, या आपको धोखा दे जाए, यू फील बैड. सो इस पूरे प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन के अंदर हम लोग पहले अपने माइंड से चलते आए हैं, हम लोग अपनी सोच से चलते आए हैं, अपनी लिमिटेड बिलीफ से चलते आए हैं, इसलिए हम कई बार रॉन्ग सिचुएशंस, रॉन्ग लोगों के साथ भी अटके हैं, तो हमें हर्ट हो जाता है, राइट. बट वो हर्ट वाली फीलिंग नेगेटिव है, हम जितना उसको सोचेंगे हम उतना उसको एक्सपैंड करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना है, आई एम जेंटल विद माई सेल्फ एज आई हील एंड रिकवर. मैं अपने साथ जेंटली बिहेव करूँगी, मैं अपने आप को ईजी रखूँगी, प्यार दूँगी, कम्फर्ट दूँगी, जब तक मैं इस हर्ट वाले इवेंट से या फीलिंग से रिकवर कर जाऊँ या हील कर जाऊँ. ठीक है, नेक्स्ट इज एंग्री, गुस्सा आता है, क्या भगवान जी क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, या किसी ने आपको टोंट मार दी. क्योंकि कई बार आप रॉन्ग लोगों के बीच में होते हो, जो लोग उतने इतने अवेकेंड नहीं होते, तो वो आपको टोंट मार सकते हैं, ये तो रह गई यार, बहुत वो थी ना, अब शादी नहीं हो रही है ना, तो बेचारी है, तो यू फील एंग्री, व्हाट द हेल यार, ये मेरे हाथ में नहीं है, तुम लोग बकवास कैसे कर सकते हो, राइट. सो इन दैट केस वी हैव टू सेंड, आई सेंड अनकंडीशनल लव टू माई सेल्फ एंड टू द पीपल हु हैव हर्टेड मी. मैं अनकंडीशनल लव देती हूँ, सबको देती हूँ, पहले अपने आप को देती हूँ, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है. अभी अभी तक जो आपको नॉलेज था वो आपके बस में नहीं था. सो डोंट हर्ट योर सेल्फ.
ठीक है, ऐसे ही उन पे दया करो कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अभी अभी इतने विकसित नहीं है, अभी इतना उनको नॉलेज नहीं है कि वो ऐसे किसी को हर्टिंग वर्ड्स बोल रहे हैं. सो आई सेंड अनकंडीशनल लव टू मी एंड टू दी अदर्स, सिंपल. नेक्स्ट लिमिटिंग, नेक्स्ट नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है हेल्पलेसनेस की, कि क्या करूँ यार, मेरे पेरेंट्स कितना परेशान हो रहे हैं, वो कितना हर्ट है, उनको मेरे से कितनी उम्मीदें हैं, वो जाकर मेरे को सेटल नहीं कर पा रहे हैं. एंड देन यू फील हेल्पलेस कि मैं कितना कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू मीट डिफरेंट पीपल, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं कुछ अच्छा हो रहा, आई कॉन्ट हेल्प इट, आई एम हेल्पलेस. उस फीलिंग को भी हमने विन करना है एंड विन ओवर, एंड वी हैव टू से आई एम मोर देन इनफ एंड आई हैव एवरीथिंग आई विल नीड विद इन मी. जो भी मैं अभी हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी वजह से कोई चीज़ नहीं हो रही है. सो अपने आप को एक तो वो फीलिंग देनी है, आई एम मोर देन इनफ फॉर माई सेल्फ, और मेरे अंदर वो सब कुछ है जो होना चाहिए एक परफेक्ट लड़की में, एक परफेक्ट लड़के में, वो सब कुछ है मेरे अंदर. सो ये अश्योरेंस हमने देनी है. इन एफर्मेशंस की चिंता मत करो, मैं सब लिख के दूंगी एक सिस्टम, एक पैटर्न में, क्योंकि हम एफर्मेशंस भी अगर करते हैं तो हमें हमेशा एक सिस्टम फॉलो करना चाहिए. वो सिस्टम है पहले गंदगी निकालने का, फिर अच्छी चीज़ भरने का. पहले नेगेटिव इमोशंस को निकालने का, आई रिलीज दिस इमोशन, आई रिलीज दिस इमोशन, वो सब मैं लिख के दूंगी, और फिर वो पॉजिटिव भरने का कि आई डिज़र्व दिस, आई एम वर्दी ऑफ दिस, मैं ये सब करूँगी, मेरा ये सब अच्छा होगा. ओके, सो ये मैंने आपको लिमिटिंग बिलीफ्स बताए हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन हम जाने अनजाने हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम, हमारे एक्सपीरियंस की वजह से, हमारी फैमिली की वजह से, हमारे आसपास के लोगों के बिहेवियर की वजह से, दुनिया में क्या चल रहा है उसको देख के, जो हमने अपना खुद का बना लिया माइंडसेट, उसकी वजह से हमने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स, ऐसे बिलीफ सिस्टम्स बना लिए हैं जो हमें नहीं पता कि हम रोज सोच रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फीड हो चुका है और हमारा माइंड उसी के हिसाब से चल रहा है ऑटो मोड के ऊपर. इसलिए हम वो लिमिटिंग बिलीफ नेगेटिव बार 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 वाइब्रेट कर रहे हैं. इसीलिए हमारे काम, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेके, होते होते टूट जाते हैं, कहीं उम्मीद दिखती है वो ख़त्म हो जाती है, या हमें ऐसे बंदे मिलते हैं जो खुद इन्हीं सोच से पीड़ित हैं, तो वो भी नेगेटिव सोच वाला, तू भी नेगेटिव सोच वाला, तो हो गया कपंगा, कभी सच नहीं होगा. बट क्योंकि हम अंदर से हम नेगेटिव बिलीव्स लेके बैठे हैं और बाहर से हम चाहते हैं एक पॉजिटिव सा बंदा मिल जाए, हैप्पी लाइफ हो, हम दोनों इन्जॉय करें, हम दोनों की अच्छी फीलिंग हो, वो मुझे समझे, मैं उसको समझूँ, उसको मेरे पे विश्वास हो, मुझे उस पे विश्वास हो, वो भी पावरफुल हो, उसका अच्छा माइंडसेट हो. आप दूसरे के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप वो सेम क्वालिटीज़ अपने अंदर से वाइब्रेट करोगे. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. अगर मेरे मन में ये बिलीव्स बैठे हुए हैं कि यार मेरी एज हो गई है, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, यार कोई ओल्ड ही मिलेगा, यार कोई डिवोर्सी ही मिलेगा, यार मुझे कोई बंदा हैंडसम नहीं मिलेगा, या मुझे यू नो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज मेरी एज हो गई है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है. इस आवाज़ के लिए एक्सक्यूज़ मी, हमारे घर के बाहर कोई रोड में कुछ काम चल रहा है, सो आई कांट इग्नोर दैट, सो प्लीज़ बेयर विद मी. आप समझ रहे, लिमिटिंग बिलीफ मैं रखूँगी तो मुझे वैसा बंदा मिलेगा या वैसी बंदी अट्रैक्ट होगी. तो सबसे पहले तो हमने कुछ नहीं उम्मीद करना, हमने ये सोच के एफर्मेशंस जो मैं दूंगी वो करनी है, ये सोच के रोज़ एफर्मेशंस करनी है कि मैं अब राइट ट्रैक पे आ चुकी हूँ, अब मुझे समझ आ गया कि मेरे में क्या कमी थी या मैं क्या गलत कर रही थी, अब मुझे ये नहीं करना है. अब मैं फटाफट जो एफर्मेशंस प्रिया ने दी है उनको रीड करती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ, रोज़ जो उसने स्टेप्स बोले वो करती हूँ, ताकि मेरे अंदर का वो जो नेगेटिव माइंडसेट है वो निकल जाए, वो बाहर चला जाए, मैं रिलैक्स होके खाली हो जाऊँ. फिर वो पॉजिटिव एफर्मेशन जब मैं भरूँगी तो मेरी एनर्जी चेंज हो जाएगी, मैं पॉजिटिविटी वाइब्रेट करूँगी, मैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे इमोशंस, वो सारे हैबिट्स अपने अंदर भर लूँगी जो मुझे चाहिए सामने वाले में. सी, मुझे प्यार चाहिए तो मुझे प्यार देना सीखना है, लेकिन जब मैं अंदर से कूड़ी हुई हूँ, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, खून जल रहा है, इरिटेटेड हूँ, तो मैं प्यार नहीं दूँगी. तो पहले मुझे अपने अंदर की इरिटेशन को शांत करनी है, अपने आप को प्यार देना है, अपने आप को केयर देना है, रोज़ मिरर में अपने आप को देख के बोलना है, आई लव यू एंड एक्सेप्ट यू, यू आर परफेक्ट प्रिया, यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड वाइफ, यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ गुड डॉटर, यू हैव ऑल द क्वालिटीज़. ये सब जब मैं बोलूँगी सो मेरी वो गंदगी निकलेगी, मैं खाली होकर पॉजिटिव हो जाऊँगी. जब मैं खुद प्यार में रहूँगी, जब मैं खुद सेल्फ लव में रहूँगी, जब मैं खुद पीस में रहूँगी, जब मैं खुद
हैप्पी रहूंगी, जब मैं खुद क्रिएटिव रहूंगी, जब मैं खुद वाइब्रेंट रहूंगी, जब मैं खुद सबको प्यार देने वाली बनूंगी, ऑटोमेटिक मुझे वही बंदा मिलेगा जिसमें ये सब खूबियां होंगी। यू हैव टू पुट दिस इन माइंड, ओके। उसके बाद आप आ जाओ, अब मैं आपको शेड्यूल देती हूँ, मैं लिख के भी दूंगी, अब मैं वर्बली बता रही हूँ। मॉर्निंग में उठ के अपनी एफर्मेशंस करनी है, रिलीजिंग एफर्मेशंस दूंगी वो करनी है, पॉजिटिव एफर्मेशंस दूंगी वो करनी है। मैं आपको पेपर दिखाती हूँ जो मैंने अपने लिए एफर्मेशंस बनाई थी। सी, दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर माई सेल्फ। ये कॉन्सेप्ट जो पूरा है इब्राहिम हिक्स का है। इब्राहिम हिक्स इज़ अ वेरी नोन एंड रिनाउंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रीचर, शी इज़ अ कोच। उनका एक कॉन्सेप्ट है आई एम का मतलब है प्रेजेंट टेंस में हूँ, मैं ऐसा करूँगी, ऐसा हो गया, वो नहीं, मैं अभी ऐसी हूँ, मुझे अभी ऐसी फीलिंग आ रही है। ये सारी एफर्मेशन मैं रोज़ दिन में 50 बार पढ़ती थी, एक्चुअली पढ़ती थी, मैं वेंट क्रेजी फॉर इट। एग्जाम्पल 2-3 देती हूँ। आई एम ब्रीदिंग मोर एंड मोर लव इन टू माई बींग, मैं ब्रीद में भी मेरा प्यार ही है। लव इज़ गॉड, यू हैव टू फील लव इन एवरीथिंग, एवरीथिंग यू वेयर क्लोथ, आई एम फीलिंग लव व्हेन आई एम वेयरिंग दिस, मुझे खुद को फीलिंग अच्छी आ रही है, ओके। देन आई लव एंड आई नो ओनली लव, मैं सिर्फ लव की भाषा पहचानती हूँ और कुछ नहीं पहचानती। आई एम ओपन एंड अवेलेबल, पैशनेट एंड फुल, आई एम ओपन एंड अवेलेबल। यूनिवर्स को यू हैव टू अनाउंस, बिकॉज अगर अपनी गंदगी हटा दोगे, हल्के हो जाओगे, तो यू आर ओपन एंड अवेलेबल फॉर ऑल द गिफ्ट्स यूनिवर्स इज गिविंग मी, ठीक है। आई एम रियलाइजिंग fully that love is the source of all miracles in my life. अब मैं ये realize करती हूँ love ही इकलौता source है मेरी life में miracles देने के लिए, okay। ये so many, I will write that same affirmation जो मैंने use की थी अपनी life में अपने husband को attract करने के लिए, ये same affirmations मैं आप सबको दूंगी writing में, okay। So मेरा सुबह का schedule हो गया affirmations, releasing and loving, दोनों की पहले निकालना है और फिर भरना है। सेकेंड थर्ड एक्टिविटी है ये, सॉरी सेकेंड एक्टिविटी है मिरर वर्क, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। मॉर्निंग में एक बार तो कम से कम, सोने से पहले भी कम से कम, दिन में जितनी बार कर सको, वेरी गुड, क्रॉस द मिरर एंड से आई लव यू प्रिया फॉर व्हाट यू आर, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, यू हैव ऑल द क्वालिटीज, तेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, तू बेस्ट लड़की है, तू एक अच्छी बीवी बन सकती है, अच्छी माँ बन सकती है, अच्छी बेटी है, अच्छी बहन है। कंप्लीट योर सेल्फ इन द मिरर रोज रोज रोज, आई टू आई, आउट टू आई, ये दिन में जितनी बार करोगे उतनी बार बेटर है। एफर्मेशन सुबह उठने के बाद और सोने से पहले इज 100% मस्ट, उसके बाद दिन में जितनी बार कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। ब्रह्म कुमारीज का एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, वो हर एक घंटे के बाद का अलार्म लगाते हैं, उस एक घंटे की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं। हर एक घंटे में अलार्म लगा लो, लड़का चाहिए ना, बंदी चाहिए ना, मेरी लाइफ पे शादी करनी है ना, तो पागलों की तरह पीछे पड़ जाओ, इसके जुनून होना चाहिए, जुनून। हर एक घंटे के बाद एफर्मेशंस का पेज पढ़ो, वो पेज पे लिख लो, अपने पास रखो, हर एक घंटे बाद फ़ोन पे अलार्म लगाओ, पढ़ो, पढ़ डालो उसको। शुरू में शायद 8-10 एफर्मेशन में फीलिंग ना आए, इट्स ओके, उसको पढ़ डालो। मूड ख़राब है, लड़ाई हुआ है, मन नहीं करता, कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर की तरह उसे पढ़ डालो। यू हैव टू क्रिएट दिस हैबिट 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 एट एनी कॉस्ट। थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज विजुअलाइजेशन। अगर वो बंदा मेरी ज़िंदगी में होता, अगर मेरा सोल मेट मेरे साथ होता, तो मुझे उसके साथ रहकर मुझे क्या फीलिंग आती, मुझे कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती, मुझे अपनी ब्यूटी का एहसास होता, बिकॉज वो मुझे फील करवाता और मैं लव्ड फील करती, कोई है जो मुझे बहुत प्यार करता है, उस फीलिंग के साथ विजुअलाइज। उसके बाद अगर आप दोनों साथ होते तो आप लोग क्या करते, आप लोग अच्छे इकट्ठे कुकिंग करते, इकट्ठे रीडिंग करते, वॉक पे जाते, हैंड इन हैंड वॉक करते, ड्राइव पे जाते। सो वो दैट फीलिंग जब विजुअलाइज करेंगे, तो हमने ये सब चीज़ें विजुअलाइज करनी है कि वो मेरी लाइफ में होता या होती तो हम एक साथ क्या 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 करते, उस क्या क्या करने को फील करो अपने घर के अंदर, अपनी किचन में, वी आर डूइंग दिस। अगर आप लो होते, अगर आपका टाइम बैड चल रहा है, आप ड्रेन्ड आउट हो, आप इमोशनली वीक चल रहे हो, तो वो आपको कैसे संभालता, वो आपकी क्या ख्वाहिश है, अगर वो आपके साथ होता तो आप उसे कैसे संभालते, वो फीलिंग देते, वो पैम्पर करते, उसको उसकी अच्छाइयाँ गिनवाते, उसको पॉजिटिव करते, उसको प्यार करते, उसको हग करते। तो ये हमने फीलिंग्स करनी है। सेकेंड थिंग इज बोथ वैल्यू, हम दोनों अपनी ज़िंदगी में किन सेम चीज़ों को वैल्यू करते हैं। एग्जाम्पल ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को वैल्यू करते हैं, लॉयल्टी को वैल्यू करते हैं, उससे कंसर्न वो मोमेंट्स, वो फीलिंग्स वो फील करो। अपने पुराने रिलेशनशिप्स में कभी आप थे जहाँ आपको बैड चीज़ें फील हुई हैं
उस पर्टिकुलर इमोशन में आपने फील किया होगा कि यार ये होता तो कितना अच्छा होता, कोई तमीज़ से बात करता तो मुझे अच्छा लगता, ये मुझे हक करता तो मुझे अच्छा लगता। तो जो आपको अच्छा लगता है उस सिचुएशन में मुझे मिलता तो क्या होता, उसको फील करना है, उसको इमेजिन करना है। और क्या हो सकता है, हम दोनों के आपस के गोल्स कैसे हैं, हम लोग आपस में, हम दोनों ओके, व्हाट डू वी लव टू डू टुगेदर। हम दोनों इकट्ठे जोक्स शेयर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं, पार्टी करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, ड्राइव पे जाते हैं, हर वो छोटी छोटी चीज़ें डेली लाइफ की जिसमें आपने अपने एक सोलमेट को, अपने पार्टनर को मिस किया है, वो सब फीलिंग्स को आपने उसके साथ फील करना है। ओके किसी एक इंसान की फोटो इमेज मत बनाना कभी भी। यूनिवर्स जानता है आपके लिए बंदा कौन सबसे अच्छा है। अपना लिमिटिंग बिलीफ मत बनाओ कि वो बंदा मुझे मिल जाए। नो, यू डोंट नो वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। सो हमेशा भगवान जी को क्या बोलो या यूनिवर्स को क्या बोलो, हु एवर इज़ बेस्ट फॉर मी आई शुड अट्रैक्ट दैट, जो मेरे हाइएस्ट और बेस्ट के लिए है मुझे वही बंदा मिले और मुझे जल्दी मिले। एंड जल्दी तो खैर एफर्मेशन के थ्रू अपने आप हो जाएगा। ये चीज़ें आपने रोज़ करनी है। अभी एक्स्ट्रा चीज़ें क्या बोलती हूँ, एक्स्ट्रा इज़ लाइक आप उन कपल्स के साथ ज़्यादा मिलो या बात करो जिन कपल्स की आपको ट्यूनिंग बहुत अच्छी लगती है। अपने घर में भैया भाभी हैं या कोई फ्रेंड है या कोई कज़न है, यू लव दैट कपल, वाह यार, यू शुड इमेजिन देयर लाइफ स्टाइल विद यू। मैंने आप इमेजिनेशन में आप जो विजुअलाइज कर रहे हो उसमें हर वो पिक्चर, हर वो मूवी जिसमें एक बड़ा आइडियल रिलेशनशिप है मियाँ बीबी का या बहुत अच्छा है, जो आपको बहुत पसंद है, जिस पिक्चर से आप कनेक्ट करते हो, वो मूवी बहुत देखो, स्टार्ट लुकिंग दैट मूवी। ओके उसके बाद मैं अब आपको कुछ एक्सपीरियंसेस दूंगी। द सीक्रेट बुक, एक बुक है द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन, उन्होंने ही इस सीक्रेट का को डिस्कवर किया था और दुनिया तक पेश किया था। उनकी वेबसाइट है द सीक्रेट डॉट टीवी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। उसमें जाके लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखो जिन लोगों ने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी लव लाइफ या तो सुधारी है, जिनका डिवोर्स होने वाला था वो सुधर गया, या उन्होंने अट्रैक्ट करी है। फाइन, दीज आर वेरी सिंपल बट जुनून की तरह करना है। जुनून, मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे चाहिए, उसके लिए सब कुछ काम मैं फटाफट करूँगी, रोज़ करूँगी, दिन में 10 बार करूँगी। डू इट, आई एम फ्री फॉर दिस, आई एम ओपन फॉर दिस यूनिवर्स, आई जस्ट वॉन्ट दिस फीलिंग, मुझे ये फीलिंग चाहिए, आई लव दिस फीलिंग, आई एम डैम इंटरेस्टेड इन दिस फीलिंग। एंड बोलने में ये ऊंचा आवाज़, अपने रूम में अकेले बोलो, बाहर जाके वॉक करके अकेले बोलो, कोई भी चीज़, कोई भी एफर्मेशन, कोई भी मिरर वर्क मन में नहीं करना, यू हैव टू बी वर्बल लाउड, भगवान जी आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट रिसीव दिस लव, आई एम ओपन टू दिस लव, आई एम ओपन टू दिस फीलिंग, आई एम ओपन टू दिस, मैं ओपन हूँ, खुले दिल और दिमाग से ओपन हूँ, मैं अपने सभी लिमिटेड बिलीव्स को रिलीज करती हूँ, आई एम हैप्पी एंड आई एम लविंग दिस फीलिंग ऑफ बींग वन विद समबडी, आई लव माई पार्टनर, आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई वाइफ। ये करना है, ये करना है, ये रोज करना है। इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो, आई डोंट नो आप सब इतनी लंबी वीडियो सुनोगे नहीं सुनोगे, बट आई विश जिसको ये नीड होगी वो ज़रूर सुनेगा और उसको ज़रूर फॉलो करेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स लिख के दूंगी, सिंपली प्रिंट आउट सामने रखो और रोज़ करो। आई लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी, स्पेशली दोज टू ब्यूटिफुल फीमेल्स जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट डाली है। बेस्ट ऑफ लक गर्ल्स, यू विल डेफिनेटली रॉक, यू विल डेफिनेटली गेट योर ओन लाइफ पार्टनर वेरी वेरी सून। आई लव यू ऑल, आई लव यू बोथ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक, बाय बाय।